हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। ये अपना कोड का फोर्थ पार्ट है। इसमें आपको बताएंगे कोड की बैक जॉइंट करना और दोस्तों चाक बनाना। इसमें अस्तर जॉइंट करना नहीं बताएंगे दोस्तों, वो अगले पार्ट में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपने बैक में सिलाई करेंगे जो निशान किया हुआ है उस पे। तो ये अपनी बैक है अस्तर की और जो मेन कोट की बैक है वो। अब इस पे सिलाई करेंगे। आप देखिएगा सिलाई किस तरह से करनी है। बिल्कुल दोस्तों मार्के के ऊपर ही सिलाई करनी है। तो देख लीजिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ सिलाई वगैरह लगा के। तो दोस्तों आप इसका ध्यान रखें कि इसमें नम वगैरह ना बैठे और अच्छे से आप सिलाई कर लें। तो दोस्तों आप इस तरह से बिल्कुल मार्के पे सिलाई करेंगे एकदम से प्रॉपर सीधा। और दोस्तों बैक में कैसे सिलाई करते हैं अस्तर वाली पे, बॉक्स प्लेट कैसे भरते हैं वो भी इसी में दिखाऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। और दोस्तों इसमें अपने कंप्लीट चाक बनाना बताएंगे, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से सिलाई लग जानी है। इसके बाद में आपको अस्तर पे भी इसी तरह सिलाई करनी है। अब देखिएगा कहाँ तक आपको इस तरह सिलाई करनी है, सीधी एकदम मार्के के ऊपर। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अपने कमर का है निशान, तो यहाँ से आपको इस तरह बॉक्स प्लेट भर लेना है ताकि जब बंदा हाथ खोलता है तो अस्तर अंदर खुल जाए और खिंचे नहीं अस्तर। इसलिए अपने दोस्तों यहाँ पर बॉक्स प्लेट डालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बिल्कुल सेम वहीं पर निकाल लेंगे ताकि यहाँ से जोड़ने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों ये बैक की सिलाई हो चुकी है। अब जो कन्नी है अपने इसको छांट लेंगे इस तरह से। दोस्तों इसको छांट लेना है अच्छे से और दोस्तों बैक में हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे ताकि धागे और जब इसे प्रेस करें तो फुलकाएँ तो आसानी से ये साफ़ हो जाए। इसलिए दोस्तों हल्के हल्के नोचेस लगाते हैं इस तरह से ताकि दोस्तों यहाँ से धागे ना निकलें और आसानी से फलका लें और साफ़ हो जाए अपनी बैक। इसलिए दोस्तों यहाँ पे ये हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। तो अब दोस्तों ये अपना तैयार हो चुका है। अब इस पर प्रेस करेंगे और पेस्टिंग चिपकाएंगे। वो किस तरह चिपकाना है आप देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपने एक बार प्रेस लगा लेंगे, साफ़ कर लेंगे। इसके बाद में अपने पेस्टिंग की कटिंग करेंगे इसके ऊपर की सिलाई के लिए और दोस्तों नीचे चाक के लिए। तो आप देखिएगा किस तरह से मैं अभी इस पर कटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप पेस्टिंग किसी प्रकार से भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से आपको कितनी पेस्टिंग लेनी है ये भी देख लीजिए, कितनी चिपकानी है इस तरह से। दोस्तों ऊपर की सिलाई अपने चीरी जाती है इसीलिए दोस्तों यहाँ पे पेस्टिंग चिपकाते हैं और यहाँ तक अपने लगा लेंगे और इसी हिसाब से आप पेस्टिंग को काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया है और इस साइड से भी अलग कर लेंगे। और दोस्तों नीचे चाक के लिए भी पेस्टिंग लेंगे तो वो भी देखिए किस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं चाक के लिए। इस तरह से लगभग 8-9 इंच काट लीजिए पेस्टिंग और ढाई इंच के समथिंग चौड़ा काट लीजिए पेस्टिंग को। दोस्तों ये पेस्टिंग इसलिए लगाते हैं ताकि अपना चाक भारी हो जाए और आसानी से अपनी जगह पे बैठ जाए और दोस्तों अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, इसलिए ही बस ये पेस्टिंग यूज करते हैं। अन्यथा आप नहीं यूज करना चाहो तो वैसे भी बना सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से इसको फ्यूज कर लेंगे, चिपका लेंगे यहाँ पे इस तरह से। दोस्तों अच्छे से दोनों तरफ में चिपका लेना है आपको। और अब दोस्तों जो कट लगाया हुआ है आपको मैंने बताया था कि कट किस तरह लगाते हैं, वहाँ पे आपको मोड़ना है। उससे पहले दोस्तों ऊपर जो कंधी की साइड में है उस साइड में भी आप जैसे पेस्टिंग कटिंग की हुई उसी हिसाब से चिपका लें। तो दोस्तों इस तरह से मैं इसको अच्छे से फ्यूज करूँगा ताकि ये उखड़े नहीं। आप भी दोस्तों अच्छे से फ्यूज कीजिएगा इसको ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अल्टर ना आए। इसलिए अपने दोस्तों अच्छे से ही फ्यूज करते हैं इसको। अगर दोस्तों आपके पास सिंपल प्रेस हो तो आप डम्फर का यूज करते हुए प्रेस करें और अन्यथा आप स्टीम का यूज करते हैं तो इसी तरह कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे कट लगा हुआ है, आपको मैंने पहले बताया कट किस तरह लगाते हैं, और दोस्तों ऊपर मार्जिन जितना मोड़ लेना है। इस साइड में भी इसी तरह यहाँ से बिल्कुल बराबर और यहाँ पे मार्जिन जितना मोड़ लेना है। तो जब मैं इसकी जुड़ाई करूँगा तो आपको दिखाऊँगा। इसके बाद में दोस्तों आपको बैक में इस तरह हल्का फुल्का लेना है, जिससे कि बैक में कोई नम वगैरह और कोई सलवट वगैरह ना शो हो और एकदम से अच्छे से साफ हो जाए। तो दोस्तों इसके बाद में आपको इस तरह सिलाई को चीर लेना है अच्छे से। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी प्रेस करें और ऑल पे करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो दोस्तों इस तरह से बैग को अच्छे से चीर लेना है और बैग को अच्छे से साफ कर लेना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरह इस पे काम कर रहा हूँ, आप भी इस तरह काम करोगे तो आपका कोट भी एकदम साफ बनेगा, अच्छा बनेगा। तो अब ये सिलाई को चीरते हुए रखना है और प्रेस लगा लेंगे इस साइड से भी, जिससे कि ये एकदम प्रॉपर साफ हो जाए बैक अपनी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप छोटा सा ही काम है वीडियो को शेयर करोगे तो उससे हमें अच्छे व्यूज़ वगैरह मिलने के चांसेस हो जाते हैं आप शेयर करोगे तो। वैसे भी दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि मेरे अकेले का वीडियो शेयर करो, आप सभी भाई बंधुओं को वीडियो शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे को उससे, अच्छी बात है दोस्तों अगर आप शेयर वगैरह करते हो तो। इस तरह से दोस्तों ये पेस्टिंग को इस साइड में से कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरह कटिंग किया है, और ये अपना बैक तैयार है। अब अस्तर की बैक को भी तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों इसको मैंने यहीं पे रख लिया, और अस्तर की बैक को इस तरह से पहले थोड़ा सा प्रेस मार लेंगे, साफ़ कर लेंगे, इसके बाद में इस तरह साफ़ करेंगे अच्छे से दोस्तों इस तरह से। और यहाँ पर बॉक्स प्लेट जैसे है उसी हिसाब से भर लेंगे बॉक्स प्लेट को। तो दोस्तों ये दोनों बैक अपने तैयार हैं, देख सकते हो आप। अब दोस्तों अपने कोट को कहाँ पे जोड़ना है वो निशान लगाएंगे, उससे पहले ये देख लीजिए अपने दोनों पीस सामने तैयार हैं। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा किस तरह से अपने पलटा है इसको, सामने को तैयार किया है। इसके बाद में दोस्तों जिस साइड में अपने मार्किंग की हुई है उसी पर निशान लगाने हैं। तो दोनों को ऊपर रख के बराबर कर लें, और इसके बाद में अपने मार्किंग उठा लेंगे इस तरह से, अच्छे से सेट करने हैं ऊपर, दोनों एकदम बराबर रख लेने हैं। इसके बाद में जो मार्का किया हुआ है उसी को ही उठाना है दोनों के सामनों पे, ताकि जोड़ने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से आप जोड़ पाओ। तो देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरह से इनको लगा रहा हूँ मार्कों को, आप भी इस तरीके को फॉलो करते हुए मार्के लगा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों चाक के लिए मार्का किया हो तो आप फट्टी को रख के इस तरह से इस निशान को लगा सकते हो। तो दोस्तों अपना चाक के लिए निशान लग चुका है इस तरह से। अब दोस्तों इसको जोड़ेंगे वो आप देखिएगा, मशीन पे चलते हैं। तो दोस्तों ये अपना सामना है कोट का। तो सबसे पहले दोस्तों नीचे की साइड में आपको यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे पलटा हुआ है, सबसे पहले आपको इस तरह एक सिलाई कर लेनी है, अस्तर ऊपर नीचे ना हो और जहाँ पे मोड़ा हुआ वहीं पे रहे। तो दोस्तों ये सिलाई करने के बाद में आपको बैक की जॉइंट करनी है। तो अब बैक देखिए दोस्तों किस तरह से जोड़नी है इस पर, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल ऊपर रख के बराबर में, जैसे निशान किया हुआ है निशान के इस तरह बिल्कुल साथ में रखना है और बिल्कुल बराबर में जोड़ना है इस तरह से, अच्छे से पक्का करते हुए। और दोस्तों छोटी चाल करके सिलाई करें यहाँ से, कि ये उखड़े नहीं कभी। और इस तरह से दोस्तों हल्का सा जो नीचे का कपड़ा है उसको खींचते चलें और बैक में हल्का सा नम डालते चलें, जिससे कि आपके चाक में अल्टर नहीं आएगा और दोस्तों ये भी प्रॉपर एकदम सही जुड़ेगा इस तरह से। दोस्तों जहाँ पे मोड़ा हुआ है उसी मार्जिन में आ चुकी है ये सिलाई, और इस तरह से इस सिलाई को कर लेना है दोस्तों। यहाँ से आधा इंच पीछे रोकना है और पक्का कर लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर इतना मार्जिन रखना है आधे इंच का। तो ये चाक बनाने के लिए दोस्तों ऊपर हल्के हल्के नोच लगा लें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है धागे वगैरह ना निकले, इसलिए अपने कट लगाते हैं और फुलकाएँ तो अच्छे से साफ़ कर पाएँ, इसीलिए कट लगाते हैं। तो दोस्तों ये साइड का चाक लगभग तैयार है, आप देख सकते हैं।
इसको इस तरह से सेट कर लें एक बार, बाद में इसके अंदर के सिलाई करके भी बताऊंगा आपको। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह से अच्छे से एकदम प्रॉपर तैयार है। अभी यहाँ पे देखिए चाक बनाएंगे तो ये इस तरह से अस्तर अंदर की साइड से सिलाई हो जाएगी। अभी इस तरह से इसको पलट लेना है और बिल्कुल बराबर कट की साइड पे जहाँ पे मुड़ा हुआ है वहीं पे मोड़ते हुए ये सिलाई करनी है। इस तरह से अच्छे से आपको सिलाई कर लेनी है और इसको जैसे ये अस्तर अंदर की साइड में मुड़ा हो उसी हिसाब से मोड़ते हुए आप ऊपर की तरफ सिलाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है स्पेशल चाक के लिए, अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर अच्छे से। तो इसमें आप अच्छे से सीख जाओगे दोस्तों चाक बनाना और आप इसको फॉलो भी कर सकते हो इस वीडियो को भी। तो इस तरह से दोस्तों ये सिलाई कर लेनी है जहाँ तक अपने सिलाई की हुई है दूसरी साइड से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल दोस्तों सिलाई के पास में ही सिलाई आनी चाहिए इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मेरा कैमरा साफ नहीं कर रहा वीडियो को, तो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल पास में ही सिलाई आनी चाहिए और दोस्तों यहाँ पे इस तरह साफ हो जाएगा। तो ये साफ हुआ थोड़ा वीडियो, तो अब दोस्तों ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सिलाई पास में करनी और सिलाई के पास तक ही कट लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना कि सिलाई कटे इसमें। इस तरह से यहाँ पे देखो, अब दोस्तों इसको पलट लेंगे। ये अपना इस साइड का चाक तैयार है, अच्छे से ये नोक वगैरह निकाल लेंगे इस तरह से। दोस्तों अच्छे से आप नोक निकाल लीजिए। तो दोस्तों ये इस साइड का चाक बन चुका है, अब दूसरी साइड को देखिएगा इस तरह से। ये दोस्तों चाक अपना देखिए अच्छे से एकदम प्रॉपर अच्छा फिनिशिंग के साथ बनेगा, आपको मैं दिखाऊंगा आगे, ये देख लीजिए एकदम। अब दोस्तों दूसरी साइड में क्या करना है आपको, उसी तरह सामना है ये अपना, अब नीचे से इसको एक उसी तरह सिलाई करेंगे, अस्तर आगे पीछे ना हो ऊपर नीचे ना हो, उसके लिए इस तरह से यहाँ से पकड़ना है और इस तरह से आपको एक सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों सेम प्रोसेस उसी साइड की जैसा इस साइड में होगा, बस ध्यान इतना रखना है कि उस साइड से ऊपर से सिलाई हुई है तो इस साइड से नीचे से सिलाई होगी। तो दोस्तों ये करने के बाद में आपको ये चाक के लिए जैसे वहाँ से तो एंड की है यहाँ पे सिलाई, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से रखा इसको बिल्कुल बराबर और आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको पक्का करके जहाँ पे चाक मोड़ा है वहाँ तक सिलाई को लेके जाना है और इसके बाद में आपको इस तरह सिलाई ऊपर की साइड में लगाते जाना है। तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरह नीचे वाले को हल्का सा खींच के रखना है और जो बैग है उसमें हल्का सा नम देते चलना है। तो इस तरह से ये दोस्तों सिलाई को पूरा कर लेना है ऊपर की साइड में, बिल्कुल बराबर ही आएगी सिलाई ऊपर तक इस तरह से। बिल्कुल दोस्तों इसी तरह से ये सिलाई पूरी कर लेनी है। दोस्तों सिलाई पूरी हो जाने के बाद में अपने इस साइड का भी चाक बनाएंगे जैसे कि उस साइड में बनाया है। उससे पहले दोस्तों ये नोचेस लगा लें जैसे कि उस साइड में लगाए थे, ताकि यहाँ से कपड़ा ना निकले, धागे ना निकलें ज़्यादा। तो अब इस तरह से दोस्तों ये देखिए अस्तर को यहाँ पे कट लगाए हुए हैं बराबर में और यहाँ पे देखिए इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो अब इसको अंदर की साइड से सिलाई करेंगे तो इसको इस तरह से पलट लेंगे अच्छे से देखिए, और सिलाई बिल्कुल नीचे बराबर जहाँ पे मोड़ा हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। इसकी दोस्तों आप ऊपर से सिलाई कर सकते हैं, बट मैं नीचे से ही करके दिखा रहा हूँ ताकि आसानी से नीचे से सिलाई लग जाती है। ऊपर की साइड में दोस्तों इस साइड में अस्तर आ रहा है, तो दोस्तों जितना मार्जिन छोड़ा है उतना ही लेना है इसमें और कट के बराबर कट मिलाते हुए आपको जॉइंट कर लेना है। तो दोस्तों देखते रहिए आप अच्छे से, इस तरह से दोस्तों बिल्कुल सिलाई के बराबर तक सिलाई करनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह बिल्कुल बराबर तक, अब कैंची से यहाँ पे कट कर लेंगे। बिल्कुल दोस्तों सिलाई के पास तक कट करना है, ना कि दोस्तों इसमें सिलाई कटे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में इसको सीधा कर लें। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी प्रेस कर लें
ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना है आपको। इस तरह से दोस्तों ये चाक बन जाएगा अपना। आगे मैं आपको प्रेस करके भी दिखाऊंगा और फिनिश करके दिखाऊंगा चाक अच्छे से। यहाँ पे दोस्तों आप गंदी जोड़ लेनी है इस तरह से, यहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए, इस तरह से बिल्कुल बराबर करते हुए आधे इंच के आसपास मार्जिन लेना होता है आपको गंदी में। और इस तरह से खींचते हुए ऊपर वाले पीस को और नीचे वाले में हल्का नम डालते हुए इस तरह से, ये दोस्तों ऊपर वाला प्रॉपर बराबर आना चाहिए इसके, इसको खींचना पड़ता है और नीचे में हल्का सा नम डालना पड़ता है तभी ये बराबर आता है। इसी तरह दोस्तों दूसरी साइड को भी जोड़ लेंगे, यहाँ से बिल्कुल बराबर करना है, अच्छे से बराबर करके पक्का करना है। और इसके बाद में नीचे वाले में हल्का हल्का नम और ऊपर वाले को आपको खींचना है, तो तभी ये दोस्तों यहाँ तक पूरा प्रॉपर बराबर जुड़ जाएगा। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे दोनों साइड का मैंने बराबर जोड़ा है। तो चलिए दोस्तों अब इसका प्रेस पे चाक और बैठा के दिखाते हैं साइड को। तो दोस्तों ये देख सकते हो अब नीचे अपने प्रेस पे आ चुके हैं। पहले इनको इस तरह से सेट करना है, अच्छे से सेट कर लेना है आपको। इसके बाद में आपको इस तरह प्रेस मार के सेट करना है चाक को, अच्छे से बिठा लेना है ये दोस्तों जो सिलाई की हुई है इस तरह से। इसी तरह दूसरी साइड में भी आपको करना है, इस तरह से अच्छे से आपको प्रॉपर बिठा लेना है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो भी आप ज़रूर बताया कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अब आपको फलका लेना है अच्छे से प्रेस से। यहाँ पे मैंने थोड़ा वीडियो को जूम कर लिया है ताकि अच्छे से आप समझ पाओ। इस तरह से दोस्तों आपको अच्छे से फलका लेना है और इसके बाद में आपको साफ़ कर लेना है। दोस्तों दो बार फलका लें उसके बाद में आप साफ़ कर लें। इस साइड में भी इसी तरह आपको अच्छे से फलकाना है ताकि यहाँ से चाक में अल्टर ना आए, खींचे नहीं चाक, इसलिए दोस्तों अपने फलकाते हैं, फलकाने के बाद में साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से साफ़ करने के बाद में आपको गोटा गद्दी की मदद लेनी होगी, इस तरह से दोस्तों नीचे रखना है और आपको चाक बैठा लेने हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको चाक बैठाने हैं अच्छे से, देखते रहिए, एकदम अच्छे से क्लियर करना है, एकदम साफ़ कर लेना है इस तरह से आपको प्रेस मारते हुए। दोस्तों यहाँ पे इस तरह नहीं लगना चाहिए कि टांका आपने चीरा नहीं है, ऐसे शो करो कि आप ऐसे बैठा दो अच्छे से कि जैसे ये लगे कि आपने टांका चीरा हुआ है, यहाँ से सिलाई चीरी हुई है। बट दोस्तों अपने एक साइड में ही मार्जिन करते हैं जिससे कि चाक अच्छा बैठता है, अल्टर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको अच्छे से प्रेस लगा लेना है, देख सकते हो दोस्तों मैं किस तरह इस पर काम कर रहा हूँ। अभी मैंने गोटा गद्दी को गोडे की मदद पे रख लिया, गोडे पे रख लिया और गोडे की मदद से आप अब इसको साफ़ कर लूँगा अच्छे से। आप नीचे भी रख सकते हो, आप घोड़ा गद्दी का भी यूज़ कर सकते हो, जिसको घोड़ी भी कहते हैं, घोड़ी गद्दी, तो उसका भी यूज कर सकते हो आप। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने पास सिंपल ही गोटा गद्दी बनाई हुई उसका यूज़ कर रहा हूँ, उससे ही साफ़ कर लेता हूँ मैं। तो आप भी दोस्तों इस तरह कर सकते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह से यहाँ से आपको चाक बना लेना है, इस साइड में भी साफ़ कर लेना है उसी तरह। तो आप देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों मेरा कपड़ा काफ़ी अच्छा है, चमकदार है, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना शानदार कपड़ा है ये। अब इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेना है इस साइड में भी उसी तरह दोस्तों जैसे कि दूसरी साइड में किया है। दोस्तों आपको और एक कोट की स्टिचिंग देखनी हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वो अलग कलर में होगा दोस्तों, उसका क्या वीडियो ज़्यादा क्लियर बनेगा और समझ में भी ज़्यादा आएगा वो, तो आपको देखना हो तो आप कमेंट कीजिएगा, तो बैक टू बैक अपने वीडियो उसका भी डाल देंगे। तो दोस्तों ये इस तरह बिल्कुल प्रॉपर बैठा लेना है, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है चाक बनाना, एक वीडियो मैंने स्पेशल चाक के लिए बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। दोस्तों उसका कुछ टाइटल ऐसा ही है कि कभी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ टाइम में चाक बनाने में। तो दोस्तों अब इसको नीचे बिल्कुल बराबर मोड़ते हुए इस तरह से बैठा लेना है आपको अच्छे से, इस तरह से अच्छे से
देख सकते हो दोस्तों, इस साइड में भी अभी इसी तरह बिल्कुल नीचे बराबर करते हुए बिठा लेना है। इस तरह से अच्छे से बराबर में मोड़ना है, कम ज़्यादा ना हो इस बात का आप ध्यान रखें, जिससे कि आपका चाक एकदम अच्छे से प्रॉपर सही बने, कम ज़्यादा ना हो। तो दोस्तों ये इस तरह अपने मोड़ चुके हैं इसको इस तरह। तो अब दोस्तों इसकी कंदी वाली सिलाई ऊपर वाली चीर लेंगे। इस तरह से आपको देख सकते हो दोस्तों बैग में नम आई हुई है, और इस तरह से आपको सिलाई प्रॉपर चीर लेनी है अच्छे से। देख सकते हो दोस्तों कितने अच्छे से इस तरह सिलाई को चीरना है और बिठा लेना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी प्रेस करें और ऑल पे करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आप जल्दी से आप वो वीडियो देख पाओ। तो दोस्तों मेरी ऑडियंस कुछ ऐसी है जो कि 72% मेरे को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, और 27% ही ऐसे बंदे हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया, वो मेरे वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका उसमें कुछ भी नहीं जाने वाला। इस तरह से दोस्तों इसको साफ कर लें, इस साइड में भी इसी तरह साफ कर लेंगे आप। पहले यहाँ पे नुपेल मेरी थोड़ी हिल गई है तो मैं उसको भी सेट कर लेता हूँ, और उसके बाद में इसको साफ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये इस तरह से अपना कोट ऊपर की कंदी सिलाई चीरी जाएगी, इसके बाद में नीचे से आपको इस तरह मोड़ना है जो अभी रह गया है। तो दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका बैक का अस्तर कैसे जोड़ते हैं और स्लीव कैसे बनाते हैं, तो वो सब अगले वीडियो में। तो इसको इस तरह से मोड़ लें, अच्छे से बिठा लें इस तरह से। दोस्तों आखिर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर